हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। माय नेम इज नवीन। दोस्तों, आपको पता है कि एक टाइम था 2G का जमाना था। उस टाइम फेसबुक चलाते थे बस, और कुछ नहीं था। यूट्यूब का तो उस टाइम नाम ही नहीं था। फिर आ 3G का जमाना, और फिर जो कि 2016 में 4G का जमाना आ गया, जिस टाइम जो कि जियो की सिम आई। और आज का टाइम क्या है, 5G का जमाना। यानी कि 5G के जमाने के साथ साथ आपको 5G का भी स्मार्टफोन चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती कि 15,000 की प्राइस रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर 20,000 की प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। क्या 20,000 की प्राइस रेंज से नीचे बेस्ट स्मार्टफोन मिलेगा? क्या 15,000 की प्राइस रेंज से नीचे कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा जो कि हम 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 5 की लिस्ट में 5 ऐसे 5G स्मार्टफोन सेलेक्ट किए जो कि बेस्ट स्मार्टफोन है। ये केवल 5G स्मार्टफोन नहीं, बल्कि और भी अच्छे अच्छे फीचर्स होने वाले इस स्मार्टफोन में। बजट कैटेगरी स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर फीचर्स। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि 500 में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है Vivo T1। ये हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा और टॉप 5 के लिस्ट में हमने ये क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर काफी कुछ चीजें यूनिक होने वाली है, जैसे कि बैटरी 5000 mAh, डिस्प्ले 6.5 इंच जो कि IPS LCD में होने वाली। Vivo के स्मार्टफोन में मोस्टली IPS LCD की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695, रैम 6GB, स्टोरेज 128GB, रियर कैमरा 50+2+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल में देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 14,000 रुपए। 14,000 रुपए में आपको 5G स्मार्टफोन, साथ ही साथ बैटरी कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे Xiaomi Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन है। डिस्प्ले 6.5 इंच जो कि IPS LCD में है, बैटरी 5000 mAh, 120W फास्ट चार्जिंग, रैम 6GB, स्टोरेज 128GB, प्रोसेसर MediaTek Dimensity 720 में होने वाला है, रियर कैमरा 50+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल में होने वाला है, फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल में होने वाला है ड्यूल LED फ्लैश में। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 13,000 रुपए। थर्ड नंबर पे Realme 9i 5G स्मार्टफोन होने वाला, डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि IPS LCD में देखने को मिलेगी, बैटरी 5000 mAh, 18W फास्ट चार्जिंग, प्रोसेसर MediaTek Dimensity 810, रैम 6GB, स्टोरेज 128GB, रियर कैमरा 50+2+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल में होने वाला। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज कितनी हो सकती है, गैस कीजिए। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 13,200 रुपए है। फोर्थ नंबर पे IQ Z6 Lite 5G स्मार्टफोन, जो कि डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि IPS LCD में देखने को मिलेगी, बैटरी 5000 mAh, 18W फास्ट चार्जिंग। एक चीज मैंने नोटिस की है कि इनमें मोस्टली बैटरी 5000 mAh है, 18W फास्ट चार्जिंग, और डिस्प्ले जो कि IPS LCD में देखने को मिल रही है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का प्रोसेसर होने वाला, रियर कैमरा 50+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल में होने वाला। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 12,000 रुपए है। फिफ्थ नंबर पे Xiaomi Redmi Note 12। यहाँ पर कैमरे की परफॉर्मेंस थोड़ी ही अच्छी होने वाली है। रियर कैमरा 64+8+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल में होने वाला, डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि IPS LCD में होने वाली, बैटरी 5000 mAh, 18W फास्ट चार्जिंग। यार ये चीज़ें रिपीट करके मैं थक गया हूँ, बट कोई बात नहीं। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का प्रोसेसर है, रैम 8GB, स्टोरेज 256GB। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 14,000 रुपये। ये देखिए 5G स्मार्टफोन है, अच्छे खासे फीचर्स हैं। फिलहाल आप बताइए कि 500 में से बेस्ट स्मार्टफोन आपको कौन सा लगा। तो मुझे सजेस्ट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस स्मार्टफोन सीरीज पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।